तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि FWA क्लाइंट्स क्या होते हैं और ये गेम में कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो FWA का फुल फॉर्म है वो है फार्म वॉर अलायंस, और ये एक अलायंस है जो कि बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए फार्मिंग वॉर्स अरेंज करता है। आप लोग एक तरह से बोल सकते हो कि फ्रेंडली वॉर्स ही अरेंज करता है, क्योंकि इनकी जो वॉर सिस्टम होती है ये कम्प्लीटली डिफरेंट होती है जो कि नॉर्मल क्लैश ऑफ क्लैंस के वॉर होते हैं। तो जो फार्मिंग वॉर्स होते हैं इसमें क्या होता है, आपका एक क्लैन FWA क्लैन के साथ ही मैचअप करेगा वॉर की, और उसके बाद में यहाँ पर जो आपकी ओपोनेंट क्लैन होगी वो आपके लिए बहुत ही ईजी बेसिस सेटअप करेगी, जिसे आप इजीली क्लियर करके वॉर बोनस ले सकते हो और वॉर फार्म कर सकते हो। बट आपको भी ऐसे ही बेसिस सेटअप करने होंगे ओपोनेंट क्लैन के लिए अगर आप FWA में वॉर्स खेलते हो तो एज पर FWA। तो अभी ये क्वेश्चन आता है कि हमारा क्लैन जो है FWA का वो हर बार FWA क्लैन के साथ ही कैसे मैचअप करता है। तो हर बार FWA क्लैंस के साथ मैचअप करना ये तो भाई इम्पॉसिबल बात है, बट यहाँ पर FWA की वेबसाइट पर ये लिखा हुआ है कि 90% ऑफ द टाइम आपका जो क्लैन है वो एक FWA क्लैंस के साथ ही मैचअप करेगा, और जो 10% जो चांस होता है कि दूसरे क्लैन के साथ भी आपका क्लैन मैचअप कर सकता है। तो यहाँ पर जो आपके बेसिस होते हैं वो इजीली आप चेंज कर सकते हो और नॉर्मल वॉर की तरह ही वो वॉर भी खेल सकते हो और बाद में उसे जीत सकते हो। बट जो FWA वॉर का जो बेस होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है अपने वॉर बेस से। एक तरह से आप लोग बोल सकते हो कि ये एक ट्रोल बेस ही है और इसे आप लोग इजीली क्लियर कर सकते हो। तो अभी मैं आपको टाउन हॉल 11 का FWA वॉर बेस दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये जो वॉर बेस है FWA का वो बहुत ही इजी है, और इसको टाउन हॉल 8 भी इजीली क्लियर करके सारी वॉर बोनस लूट ले सकता है। और इसी तरह से ये अलायंस वर्क करता है, यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी बेसिस आपको मिल जाएंगे देखने को, और उसे आप क्लियर करके वॉर की लूट बोनस ले सकते हो। तो यहाँ पर जो वॉर विन एंड लूज की जो सिस्टम होती है ये भी कम्प्लीटली डिफरेंट होती है नॉर्मल क्लैन वॉर से। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे नॉर्मल क्लैन वॉर में जो विन एंड लूज की सिस्टम होती है वो स्टार्स पर डिपेंड करती है, बट फार्म वॉर अलायंस की जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसमें क्लैन वॉर शुरू होने से पहले डिक्लेयर किया जाता है कि आप क्लैन वॉर जीतेंगे या फिर हारेंगे। तो ये एक लॉटरी बेस्ड सिस्टम होती है, और इसके बारे में अगर आप लोग को और जानकारी चाहिए कि यहाँ पर कैसे वॉर सेटअप होते हैं और उसके बाद में कैसे FWA को हमें ज्वाइन करना है, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी जो कि आपको ले जाएगी farmwaralliance.org की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वहाँ से आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं FWA के बारे में। तो आज की वीडियो एंड करने से पहले मैं आज का शाउटआउट भी दे देता हूँ, और आज का जो शाउटआउट है वो जाता है निरुपमा BS को। तो उसने ये लिखा था कि स्प्लेंडेड वीडियो, आई एम श्योर यू आर गोना रीच ग्रेट हाइट सून। तो ये बात कर रही है मेरी प्रीवियस वीडियो के बारे में, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको मैं ऊपर एक कार्ड दे दूंगा। और यहाँ पर उसने ये लिखा है कि इट वुड बी रियली नाइस इफ़ यू मेक अ Q&A वीडियो। तो मैं Q&A की वीडियो 10,000 सब्सक्राइबर्स मेरे क्रॉस होने के बाद में बनाऊंगा फॉर श्योर, और यहाँ पर फेस कैम भी होगा जो कि नली नल्स गेमिंग यहाँ पर नीचे मेंशन किया हुआ है। तो 10,000 सब्सक्राइबर्स जैसे ही क्रॉस हो जाएंगे वैसे मैं फेस कैम एंड Q&A वीडियो भी बना दूंगा। तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो यार ये बहुत बड़ी बात नहीं है 10,000 सब्सक्राइबर्स के लिए। और अभी मैं इसका बेस भी दिखा देता हूँ जो कि इसने टैग मेंशन किया, उससे मैं सर्च करूँगा। तो इसका जो बेस है वो रिसेंटली अपग्रेडेड टाउन हॉल 8 है, और ये जो बेस है इसमें इसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर उसे टाउन हॉल 8 को कम्प्लीटली मैक्स आउट करना है। बट अगर ये एक FWA क्लैन को ज्वाइन कर लेती है तो यहाँ पर ये वॉर फार्म करके इजीली लूट गेन कर सकती है और उससे अपने बेस को मैक्स आउट कर सकती है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ये बताइए कि आप लोग कभी FWA क्लैंस में रह चुके हैं या फिर सिमिलर काइंड ऑफ क्लैन में कोई रह चुके हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आप लोग को भी ऐसी एक शाउट आउट चाहिए तो आप लोग को बस दो चीज़ें करनी होंगी, एक तो इस वीडियो को लाइक करना होगा, और नीचे जाके आपको एक इंटरेस्टिंग सी कमेंट करनी होगी जिसमें आपके बेस का टैग और हैशटैग शाउट आउट मेंशन होना चाहिए। तो अगर आपकी कमेंट इंटरेस्टिंग हो तो मैं आपको ज़रूर एक शाउट आउट दूंगा और आपका बेस भी दिखा दूंगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो आप लोग इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले। और मैं आपसे मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।